हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट होप आप सब ठीक होंगे आज हम अपना एस एस टी का नाइनटीन चैप्टर करेंगे वर्क ऑफ यू एन सो स्टार्ट करते हैं मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यू एन द यू एन इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डैट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज इन वेरियस फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर हेल्थ एंड एजुकेशन तो यू एन जो है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है हमें साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टाइज कौन सी फील्ड्स में एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन इन सभी फील्ड्स में ये हमें साइंटिफिक और टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो है वो प्रोवाइड करती है द यू हैज़ फॉलोइंग सिक्स ऑर्गन्स यू एन के पास ये सभी जो सिक्स ऑर्गन्स हैं जिसमें फर्स्ट रोल ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यू एन अब उनके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे कि इनका रोल क्या है ऑर्गन्स का यूएन में तो फर्स्ट है हमारे पास जनरल असेंबली इट इज़ मेन बॉडी ऑफ द यू एन वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मेम्बर कंट्रीज सिट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न तो ये एक मेन बॉडी है यू एन की जहाँ पर जो सभी कंट्रीज़ के मेम्बर्स मतलब कि रिप्रजेंटेटिव जो होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं वो डिस्कस करते हैं इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ़ यू एन ये यू एन की पार्लियामेंट की तरह ही है जनरल असेंबली हैज़ द पावर टू एडमिट न्यू मेबर्स टू द यू एन जो जनरल असम्बली है उसके पास पावर है कि वो न्यू मेम्बर्स को रिक्रूट uh, कर ले ऐसे हम बोल सकते हैं कि न्यू मेम्बर्स वो एडमिट कर सकते हैं यू एन में दैन ऑल द मेंबर नेशंस है राइट टू वोट सभी मेंबर नेशंस जो है उनके पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और राइट टू वोट है फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल असम्बली वॉज हेल्ड ऑन टें जनवरी नाइनटीन फोटी सिक्स तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था जनरल असेंबली का वो कब था नाइन टेंथ जनवरी 1946 को। द असेंबली मीट्स वंस अ ईयर ये असेंबली साल में एक बार इकट्ठ मिलती है मतलब कि एक बार की uh, होती है एंड शेशन्स रन फ्रॉम मिड सितंबर टू मिड दिसंबर और इसके सेशन uh, जो होते हैं वो मिड सितंबर से लेकर मिड दिसंबर तक होते हैं इफ़ देयर इज़ एन एमरजेंसी अगर कोई एमरजेंसी आ जाए तो स्पेशल मीटिंग भी बुलाई जाती है जनरल असम्बली डिसीजन्स आर टेकन बाई कास्टिंग वोट्स और जो जनरल असम्बली के डिसीजन हैं वो कास्टिंग वोट्स के थ्रू ही लिए जाते हैं ईच मम्बर कंट्री वेदर बिग और स्मॉल हैज़ ओनली वन वोट हर एक जो कंट्री का मेंबर है मतलब हर एक कंट्री जो कि मेम्बर है चाहे वो बड़ी कंट्री है चाहे वो छोटी कंट्री है उसके पास एक ही वोट होती है जनरल असेंबली इलेक्ट इट्स रेप प्रेजिडेंट एवरी ईयर जनरल असेंबली जो है अपना प्रेजिडेंट हर साल इलेक्ट करती है द जनरल असेंबली हैज़ द राइट टू डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन एनी इशू कवर्ड इन द यू एन स्टार्टअप तो जो जनरल असेंबली है उसके पास क्या है एक राइट right है डिस्कस करने का और रिकमेंडेशन कुछ रिकमेंड करने का किसी भी टॉपिक पे मतलब कोई भी इश्यू है उस उसको uh, कोई भी रिकमेंडेशन देने का और उसे डिस्कस करने का एक राइट right है कवर्ड इन द यूएन चार्टर जो कि यूएन के चार्टर में कवर होता है चार्टर क्या पढ़ा था हमने वो डॉक्यूमेंटेशन डिफाइनिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यून संविधान के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करता हो डॉक्यूमेंट। इट इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ऑफ द द अदर यूएन बॉडीज ये आ, बाकी यूएन बॉडीज के मेंबर्स को भी इलेक्ट करता है द जनरल असेंबली मेक्स द बजट ऑफ यूएन जो जनरल असेंबली है वो यूएन का बजट बनाती है रिव्यूज रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ यूएन एंड अपॉइंट्स नॉन परमानेंट द सिक्योरिटी काउंसिल और ये पूरी रिपोर्ट्स को जो है उसका रिव्यू लेती हैं जो बाकी ऑर्गन्स हैं यू से उनका उनसे और अपॉइंट करती है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनसे उनको अपॉइंट करती है इट आल्सो डिस्कसीज इश्यूज अफेक्टिंग वर्ल्ड पीस ये uh, वो टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं वो इश्यूज भी डिस्कस करते हैं जो कि हमारी वर्ल्ड के पीस को अफेक्ट कर रहे हैं ये हमने एटीन चैप्टर में भी पढ़ा था देन सिक्योरिटी काउंसिल द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यू एन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है यू एन का इट हैज फाइव परमानेंट मेंबर्स एंड टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स इसके जो है फाइव परमानेंट मेंबर्स होते हैं और टेन नॉन परमानेंट मेम्बर्स होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो साल में आ, मतलब दो साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली में उनके मेंबर्स ही उन्हें इलेक्ट करते हैं और जो परमानेंट मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वो कौन कौन से होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया फ्रांस यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना द फाइव परमानेंट मेंबर्स हैव द वेटो पावर और ये जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वेटो पावर होती है द सिक्योरिटी काउंसिल हैल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1946 और सिक्योरिटी काउंसिल का भी फर्स्ट सेशन जो था वो 1946 में ही हुआ था और जनरल असम्बली का भी 1946 में ही हुआ था इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्टोरेशन एंड मेन्टेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और ये किसके लिए ज़िम्मेदार है हमारे रिस्टोरेशन और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के में को मेंटेन करने के लिए ये जिम्मेदार हैं। वेयर एवर देयर इज अ कंफ्लिक्ट द वर्ल्ड द सिक्योरिटी काउंसिल ट्राइज टू रिजॉल्व इट एंड वेन एवर नीडेड इट सेंड्स इज इट्स पीस कीपिंग फोर्सेज टू रिस्टोर पीस जहाँ पे भी कोई झगड़ा होता है वर्ल्ड में मतलब बड़े मामले होते हैं जो इंटरनेशनल इशू होता है जहाँ पे भी वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है और जब भी ज़रूरत हो वो फी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेज देती है ताकि वहाँ पे फिर से पीस आ जाए देन आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो इसका इसको हम ई सी ओ एस ओ सी भी बोल देते हैं देर आर फिफ्टी फोर मेम्बर कंट्रीज़ इन द ई सी ओ एसओसी तो जो इसमें इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में फिफ्टी फोर मेम्बर्स हैं कंट्रीज मतलब फिफ्टी फोर कंट्रीज़ के मेम्बर हैं द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यू एन जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है वो किसे कोऑर्डिनेट करता है हमारी इकोनॉमिक और सोशल वर्क जो है हमारी यू एन का उसे कॉर्डिनेट करता है और ये स्टडी करता है और रेकमेंड करता है के कौन सा एक्शन लिया जाए इन इश्यूज़ पे जैसे कि ह्यूमन राइट्स इक्वालिटी ऑफ विमेन एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज इट इज़ इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर अ थ्री ईयर टर्म और ये जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है तीन साल बाद इट फंक्शंस थ्रू वेरियस कमेटीज एंड कमीशंस और ये किसके थ्रू फंक्शन करता है बहुत सी कमेटीज चलाती हैं और बहुत सी कमीशंस देन ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल जो था वो 1945 में बना था और ये क्यों बना था इट वॉज़ क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ कलोनीज इंटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज ताकि जो कलोनीस हैं उनकी पीछे देख रेख के लिए रखा गया था उनकी ट्रांजिशन की देख रेख के लिए इंटू इंडिपेंडेंट कंट्रीज एट दैट टाइम देयर वर इलेवन सच कंट्रीज एरियाज डेट हैव नाउ बिकम इंडिपेंडेंट और उस टाइम पे ग्यारह कंट्रीज या एरियाज़ थे जो जो कि इंडिपेंडेंट बने थे दिस ऑर्गन सस्पेंडेड इट्स वर्क वर्क ऑन फर्स्ट नवंबर नाइनटीन नाइन्टी फोर आफ्टर कम्प्लीट कम्प्लीटिंग इट्स टास्क और इस ऑर्गन ने अपना काम छोड़ दिया था मतलब सस्पेंड कर दिया था फर्स्ट नवंबर नाइनटीन नाइन्टी फोर में अपना काम कम्प्लीट करके देन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई सी जे और जिसे हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है इट इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ यू एन ये यू एन का लीगल कोर्ट है हेड क्वार्ट ऑफ आई सी जे इज एट हैग हेग यू बोल लो चाहे हेग बोल लो मुझे प्रनाउंशिएशन नहीं पता क्योंकि तो इसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है और ये यू एन की लीगल कोर्ट है इसका हेड क्वार्टर जो है वो हैगी हे, में है जो कि नीदरलैंड में है आईसीजे जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी जून 1945 में और इसने अपना काम कब शुरू किया था 1946 की अप्रैल में इसके पंद्रह जजेस हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असम्बली इलेक्ट करती है नाइन ईयर्स में नाइन ईयर्स के लिए जो है इसे इलेक्ट करती हैं दिस कोर्ट हियर्स डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द यू ये जो कोर्ट है वो वो उन झगड़ों पर मतलब उन्हें रिसॉल्व करती है जो झगड़े यूएन के मेंबर्स के बीच हुए होते हैं तो आईसीजे एडवाइजेस मेंबर कंट्रीज ऑन मैटर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ और आईसीजे आईसीजे uh, है जो वो कंट्रीज़ के मेम्बर्स को क्या एडवाइज़ करती है कि वो इंटरनेशनल लॉ के मैटर्स पे फोकस करें देन आ गया सेक्रेटेरिएट सेक्रेट इट इज़ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यू एन ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यू एन की जो कि डे टू डे ऑपरेशंस पे ध्यान रखती है और ये इस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन फाइव में सेक्रेटरी जनरल इज़ हेड ऑफ द सेक्रेटरीट और जो सेक्रेटरी जनरल है ये इसका हेड होता है एक्ट एज द यूएन स्पोक्समैन और ये क्या एक्ट ही स्पोक्समैन यू एन के स्पोक्समैन के एक्ट करता है He is nominated by Security Council, और ये सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है और जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट किया जाता है पांच साल के पीरियड के लिए देन द सेक्रेटरी जनरल प्लेजा मेजर रोल इन प्लानिंग द ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स तो जो सक्रटरी जनरल है ये में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंडा है उस पर प्लान करने के लिए जो कि हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स के बारे में ही होती है देन आ गया स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ़ द यू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ आर लीगली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशअर ओन सेट ऑफ रूल्स मेंबरशिप, ऑर्गन्स एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्स एंड आर लिंक्ड विद यूएन थ्रू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स तो जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ होती हैं ये लीगली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेश होती हैं जिनके अपने खुद के रूल्स होते हैं मेंबरशिप होती है ऑर्गन्स होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं और वो किसके साथ लिंक रहती हैं यूएन के साथ और उनकी मतलब कि एक, एक एग्रीमेंट्स भी बनी होती हैं कि वो कैसे लिंक रही यू एन के साथ यू एन हैज़ सेटअप वेरियस एजेंसीज टू इट्स वर्क सच एस तो यू एन बहुत सी एजेंसीज भी बना दी गई हैं ताकि वो अपने काम को प्रमोट कर सकते हैं जैसे कि यूनिशेफ जिसकी फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड और इसका हेडकोार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है ये बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करता है देन सेकेंड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हु बोल देते हैं डब्ल्यू एच ओ और ये इस्टेब्लिश हुआ था नाइनटीन फोर्टी एट में इसका जो हैडक्वाटर है वो है जिनेवा में और स्विट्ज़रलैंड में है और ये वर्क करता है हमारी लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और डीज़ेज़ को ख़त्म करने के लिए ही आ, डिफरेंट वेज फाइंड करते हैं देन देन है हमारे पास इंटरनेशनल मोनिट्री फंड आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वन एटी नाइन कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है जब उन्हें ज़रूरत होती है और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसे प्रमोट करती है और इसके हेडकोर्टर्स जो हैं वो वाशिंगटन में हैं यूनाइटेड स्टेट्स में दैन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वाटर जो है रोम में इटली में दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन एराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर इट्स मेन एम इज फ्रीडम फ्राम हंगर द मोटो ऑफ एफ इज़ लेट देयर बी ब्रेड तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी कंट्रीज uh, में से पॉवर्टी और हंगर को गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करने के लिए ये काम करती है और इसका मेन मकसद क्या है फ्रीडम फ्रॉम हंगर भूखमरी से आज़ादी दिलवाना और इसका मेन मोटो क्या है मतलब कि मेन एम क्या है कि लेट देयर बी ब्रेडी इनका uh, क्या बोल सकते हैं आप स्लोगन हो uh, स्लोगन है देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एल ओ इट हेल्प्स नेशन्स इन इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल और ये हेल्प करती है हमारे नेशंस को ताकि लोगों की जो वर्किंग कंडीशन है उसे इम्प्रूव किया जाए इट ट्राइज टू सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स अमंग द गवर्नमेंट्स इम्प्लायर्स एंड वर्कर्स ऑफ नेशन ये सॉर्ट आउट मतलब कि क्या कोशिश करती है कि जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट की एम्प्लायर्स की और जो नेशन के वर्कर्स की उन सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है देन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को भी बोला जाता है यूनेस्को जो था वो 1946 में बना था इसका मेन हेड क्वार्टर पेरिस में है जो कि फ्रांस में है इट्स मे इट्स एम इज़ टू हेल्प पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इनका एम जो क्या है लोगों को एजुकेशन प्रमोट करना मतलब कि एजुकेशन दिलवाना इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिजर्विंग ओल्ड मोन्यूमेंट्स आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर तो इन और ये हमें हेल्प और और भी चीज़ों में हेल्प करता है जैसे कि हमारे जो पुराने मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें संभाल के रखने में आर्ट को संभालने में कल्चर को संभालने में और आर्टिटेक्टर को संभालने में इट इंक्रेज़स इट इंक्रेज़स नेशंस टू वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन साइंस एंड कल्चर और ये नेशन को साथ में वर्क करने के लिए इनकरेज करता है कौन सी फील्ड्स में एजुकेशन साइंस और कल्चर की फील्ड्स में सो so ये था हमारा चैप्टर नाइनटीन वर्क ऑफ ह्यूएन होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना थैंक यू फॉर दी कोऑपरेशन